अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे तंदूरी चाय। ये पुणे की मशहूर चाय है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक कुल्हड़, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। तकरीबन 300 ml बॉईल किया हुआ दूध, आप चाहें तो इसकी जगह कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 20 ml पानी, 5 टीस्पून चाय की पत्ती, 2 से 2.5 टीस्पून चीनी। पत्ती और चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम गैस पर कुल्हड़ को गर्म करने के लिए रखेंगे। इसे हर तरफ से घुमाते हुए अच्छे से गर्म करना है। जब तक हमारा कुल्हड़ गर्म हो रहा है, हम एक पैन में डालेंगे दूध, पानी और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। ध्यान रखें, कुल्हड़ को हर तरफ से गर्म करना है, पलट पलट कर। ध्यान रखें, कुल्हड़ को गर्म करने से पहले इसको अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए, जब कुल्हड़ पकने लगता है तो इसका रंग इस तरह से बदलने लगता है। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे चाय की पत्ती और चीनी और अब इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे 3-4 उबाल आने तक हम पकाएंगे। बीच बीच में इसे थोड़ा सा हिलाएंगे। इसे हम जितना पकाएंगे, इसका टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आएगा। चाय तैयार है। अब इस गैस बंद करेंगे और इसे एक बर्तन में छान लेंगे। अब इस कुल्हड़ को उठाकर हम इस बड़े भगोने में रखेंगे और ये बनाई हुई चाय हम इस कुल्हड़ में डाल देंगे। ये देखिए, उबाल आना बंद हो गया है। अब हम इसे खाली कर लेंगे और अब हम चाय को कप में निकाल लेंगे। ये देखिए, तंदूरी चाय तैयार है। इसे गरम गरम सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।